हेलो एवरीवन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क की एक शानदार ट्रिक तो अगर कभी भी टाइम वर्क से रिलेटेड आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे आपसे कहा जाए कि कुछ लोग किसी काम को कुछ दिन में ख़त्म कर देते हैं अगर कुछ और आदमियों को उसमें जोड़ा जाए तो वो काम कुछ दिनों से पहले ख़त्म हो जाता है तो हमें बताना हो कि शुरुआत में कितने लोग थे तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं एक शानदार सी डायरेक्ट ट्रिक लेके आया हूँ तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से उस ट्रिक को समझते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या है तो क्वेश्चन हमारा क्या है सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन डू अ वर्क इन सिक्सटी डेज कुछ लोग काम पे लगे हैं जो किसी काम को साठ दिन में खत्म कर देते हैं ठीक है इफ देयर वर एट मेन मोर इट कुड बी फिनिश इन टेन डेज लेस अगर मैं आठ आदमी और बढ़ा दूं, तो यह दस दिन पहले काम खत्म हो जाएगा तो हमें क्या बताना है हाउ मेनी मेन आर देयर तो हमें बताना था कि कितने आदमी उसमें काम कर रहे हैं ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक है आइए समझते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं अगर मैं कहूं कि शुरुआत में एम आदमी थे ठीक है मैंने आदमियों की संख्या को ले लिया है एम ठीक उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे कितने आदमी ज्यादा थे उसको लिख लेंगे आठ आदमी ज्यादा लगाए हैं ठीक है और कितने दिनों में हो रहा है ये कितने दिनों में हो रहा है पचास दिन में कैसे पहले साठ दिन में होता था ठीक है जब आठ आदमी ज्यादा लगा दिए दिन का, पहले काम खत्म हो रहा है तो सिक्सटी माइनस टेन कितना आया? पचास बते में दिन का जो डिफरेंस आएगा, उसको लिख देंगे ठीक है तो ये क्या आ जाएगा दस पचे पचास और आठ तो में गुणा करेंगे तो चालीस मेन स्टार्टिंग में थे ठीक है ट्रिक को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं करना क्या है ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन कितना होगा जितने एक्स्ट्रा मैन लगाए गए हैं उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितने दिन से जो दिन का डिफरेंस आएगा दिन का डिफरेंस कितना आ रहा है पहले साठ दिन में खत्म होता था आदमियों को लगाने के बाद दस दिन में दस दिन कम लग रहा है वो डिफरेंस ले लिया हमने साठ में से दस गया पचास पचास आठ गुड़े पचास और डिवाइड किससे करेंगे जितना दिन कम लग रहा है कितना दिन कम लग रहा है दस दिन कम लग रहा है दस से मल्टीप्लाई किया फिर इसको सॉल्व कर लेंगे फोर्टी मैन हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ठीक है तो देखिए इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आज की ट्रिक आपको समझ में आई होगी तो ऐसे ही ट्रिक्स को जानने के लिए जुड़िए आपके अपने चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स पर और हमें फॉलो करिए टेलीग्राम पे ओ कम्युनिटी पे